तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई ये वीडियो लगभग 40 दिन बाद आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत दिन बाद आ रहे हैं लखनऊ। एक महीने की छुट्टी पे थे गांव पे सब लोग, और भाई बहुत झंझट चल रही थी, इसलिए वीडियो वगैरह तो ऐसे भी नहीं आ पा रहा था। और अभी भी मेरे साथ झंझट ही चल रहा है भाई। देखो, सबके साथ चल रहा है। 3 साल में आई कार्ड का, जो कॉलेज का आई कार्ड है, उसका कभी काम नहीं लगा। और मैं जब एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हुआ तो आई कार्ड लेके जाना पड़ता है, तो वो मैंने मतलब छोड़ दिया टेबल पे ही, और वो साला गायब हो गया। ठीक, उसके बाद भाई मेरे को आई कार्ड मिल ही नहीं रहा है। और जैसे ही गायब हुआ, उसके अगले दिन पता चला कि अब मुझे 2-3 दिन बाद आई कार्ड लेके कॉलेज में जाना है, और काम है। काम ये है कि जैसे अब फाइनल ईयर है, तो इंटरव्यू वगैरह का कंपनीज आ रही हैं, तो अभी मतलब टेस्ट पहले होगा, फर्स्ट राउंड होता है, तो उसमें बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं है भाई। अब मेरी भाई वाट लगी पड़ी है कि अब क्या करें, क्योंकि बिना उसकी एंट्री होगी नहीं, और एंट्री होगी नहीं तो मैं बैठने को नहीं पाऊंगा टेस्ट में। तो भाई प्लेसमेंट होने से पहले मेरी वाट लगी पड़ी है, तो अभी वही कॉलेज में जा रहे हैं, देखेंगे कि कहाँ एडमिट कार्ड अगर मिल जाता है तो ठीक है। बात यह है, मेरे पास कॉल आई थी टीचर का कि भैया तुम्हारा एडमिट कार्ड जो है वो मेरे पास से अकेले लेना, और मैं टीचर का नाम भी पूछना भूल गया। और मुझे लगा उसने बिल्डिंग बताई थी ओपीडी में आ जाना, बट मुझे लगा होगा 1-2 क्लास वहीं कहीं होगा, तो गया भाई। इतना ऑफिस था वहाँ पे, समझ में नहीं आया जाऊँ कहाँ। जितनी भी जगह गया तो सब कह रहा मुझे पता ही नहीं, क्योंकि एक फैकल्टी है नहीं, बहुत सारे हैं। अब भाई देखो क्या होता है। और आईफोन का सबसे बड़ा झंझट ये है कि इसमें भाई 2 दिन के पहले की हिस्ट्री नहीं दिखती है, तो नंबर भी नहीं निकल पा रहा है। अब आज जाके देखते हैं, मिलता तो ठीक है, नहीं तो फिर न्यू का इशू कराने के लिए देखते हैं। और ये लोग का है क्लास, तो ये लोग जा रहे हैं क्लास, अभी हम क्लास पे जाएंगे नहीं। तो अभी हम लोग निकल गए हैं कॉलेज के लिए, और जिस डिपार्टमेंट में हमारा आई कार्ड हो सकता है, क्योंकि जब कॉल आया तो उसने ओपीडी बिल्डिंग बोला था, तो उस डिपार्टमेंट का एक दोस्त है क्या, अभी मैंने उसको बुलाया, वो उसको वहाँ का ज़्यादा नॉलेज है, अभी जाके देख लेगा। तो फिलहाल जाए कॉलेज, फिर देखते हैं। फाइनली आ गए कॉलेज में, और मेरा दोस्त जो है वो ओपीडी बिल्डिंग में आ चुका है, तो अभी फिलहाल हम वहीं जा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक मेरा आई कार्ड वहीं पे है। हाँ सर, ओपीडी के मैं ब्लॉक के बाहर हूँ, ओपीडी ब्लॉक के बाहर, ये बाहर ही बिल्डिंग के। कौन से? अच्छा, ठीक है, आ रहा हूँ। ब्लॉक कहीं भी चालू हो सकता है, क्योंकि मेरी आई कार्ड वाट लगी पड़ी। अब तुम्हें एक सहारा हो जो मेरा आई कार्ड दिला सकते हो। भाई साहब पूरा ओपीडी छान मारे यार, कहीं मिल ही नहीं रहा भाई, जिंदगी झंड हो गई है। भैया खोज लिए, कहीं भी नहीं मिला। और एक वहाँ पे भैया थे, उन्होंने कहा नाम लिख के दे दो, और अगर किसी के पास होगा तो हम कॉल करवा देंगे, देखते हैं आ जाए तो ठीक है। मेरे पास ऐसे टाइम ज़्यादा नहीं है, बस 2 दिन का टाइम है भाई। ज़िंदगी एकदम झंड हो गई है, इतना ढूंढने के बाद कहीं नहीं मिला भाई, पूरा छान मार लिए लेकिन कहीं पे मिला ही नहीं। अब यार मेन चीज़ यार नंबर डिलीट हो गया था, नहीं तो फिर दिक्कत होता ही नहीं। अब देख रहे हैं, नया इशू हो जाएगा तो नया करवाते हैं, नहीं तो हाँ एक भैया थे उन्होंने नाम वगैरह लिखवा लिया, उन्होंने कहा अगर कहीं मिलता तो हम कॉल करवा देंगे। ये बाबू साहब लोग का भी क्लास नहीं चला, अब घूम रहे हैं, फालतू में आ गए थे। आया भाई ये लौंडा एकदम स्मार्ट हो गया, क्या बात है। लगता है छुट्टी में पैसे ज़्यादा कमा लिए, बिल से वापस मिल रहा है। कोई बात नहीं भाई, अब इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने सर हैं ही नहीं। हाँ तब तक चलो एनएलटी में चल के बात करते हैं। अनुमान की चलो 100 रुपये की खर्चा हो जाएगा। वैसे एक बात बताओ, आई कार्ड का काम तो वैसे लगता नहीं है, कहीं मांग मिली है आई कार्ड बनवाएंगे ना भाई। देखो जो यहाँ एनरोल होगा उसी का तो एडमिट कार्ड आएगा ना। हाँ तो एडमिट कार्ड भाई जाएगा खत्म, क्या पता मांग ले कोई भरोसा। एडमिट कार्ड का कहीं काम आता ही है, घर छोड़ा बस की बात।
वो ठीक है, एडमिट और कहीं इसको छोड़ के और कहीं काम आएगा एडमिट कार्ड का? एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, आईडी कार्ड और तो घूमने के साथ नहीं आ रहा। डिग्री लेते टाइम मतलब उसी वक्त पूछे आईडी कार्ड दिखाओ पहले। सेकंड ईयर वाला दिखाएगी, सेकंड ईयर वाला रखते हैं, फालतू में 100 रुपये खर्चा करने का मन नहीं कर रहा है। हाँ तो फिर कहेगा एक साल फिर तुम रिपीट करो भाई। फोन में रिचार्ज नहीं है, वो तक तो कराया नहीं जा रहा, वो तो कराया नहीं जा रहा। 100 रुपये दे के हम आई कार्ड बनवाने, कोई नहीं, चलो देख रिचार्ज ना करा के पैसा बचा रहा है। देखो एक काम करते हैं, अभी तो हमें काम है नहीं, अभी इसका जो काम था वो अब समझ में आ गया कि एडमिट कार्ड लगेगा। हाँ। तो जिस टीचर को मिला एक बार कॉल करा ही था। हाँ। ठीक, दोबारा भी कॉल कर लेगा उसको घर से नहीं। अरे यार वो कुछ सोच के गाली वाली दो चार दे के कर लेगा। तो वेट कर लेते, क्या पता आ जाए। हाँ तो क्या, तो वेट कर लेते हैं। अबे इसमें नहीं जरूरत पड़ेगी हमको। हाँ इसमें नहीं पड़ेगी, अब बनवाने कोई फायदा नहीं है, पैसा नहीं अपने पास, गरीब है। 100 रुपए की बात है भाई, रिचार्ज नहीं करवा रहा हूँ तो भाई। इसका भी रिस्कर साले का इनकमिंग भी बंद हो रखा है, कॉल करते करते मर जा, फोन नहीं लगता है। इसीलिए तुम लोग को बोला था रजिस्ट्रेशन पहले कराओ। नहीं नहीं सुनो, पैदा भी गलत टाइम पे हुए थे, जैसे 90 के बाद होना चाहिए, 2000 के बाद होना चाहिए इस जनरेशन में। तुम्हारा पहले होना, तुम्हारा क्या है? मेरा 2000 है, बीच का होगा 97 है। अबे साला कितना बड़ा है। अबे अब इसकी शादी की उम्र हो रही है भाई। अबे मेरा 2003 है। अबे इसकी शादी, तुम्हारा क्या है? 3 है भाई। भाई ये तो अबे इसकी 5 साल बड़ा है भाई अपने से। कहाँ थे इतना दिन तक भाई? लड़की ढूंढी है भाई, कहाँ थे? शादी हो गई। गुड मॉर्निंग सर, शादी भी हो गई थी, तलाक, क्लास लेने जा रहे क्या? मेरी शादी भी हो गई, तलाक भी हो गया मेरा। मेरा डिवोर्स हो गया, तुमको पता है। और जान गए, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हंस के बगल से कह रहे हैं क्लास लेने जा रहे क्या? वो चाय पीने जा रहा है। अबे चलो पिलाएगा, तू पिलाएगा? ये कह तो रहा है पिलाते हैं। आपन आपन दिया भाई, बहुत लोग है, घाटा हो जाएगा। अपना अपना दे देंगे, अपना अपना, कोई नहीं। बताओ यहाँ से जाने के बाद क्या प्लान है? अब तो बीसीए खत्म होने वाला है, यही इंटीग्रल के सामने मैं अपना खुद का बीसीए चाय वाले खोलूंगा। बहुत से स्कोप है भाई, और मेरे जितने जानने वाले स्टूडेंट सब आएंगे भाई, आधे तो मैं भेज दूंगा। ये देखो ये फर्स्ट ईयर वाले हैं, जिम्मेदारी देता हूँ, ये लोग लेके आएंगे कस्टमर। और बाकी हम लोग भी कभी आएंगे तो तुम्हारी दुकान पे आएंगे। बिल्कुल भैया, अभी आके मरहबा, यहीं पे बैठते थोड़ी देर, फिर अभी आएंगे वो लोग। भाई अभी कोई आया ही नहीं है, हम लोग बैठे हैं, वो लोग पता नहीं कब आएंगे, समझ नहीं आ रहा है क्या खाएं, तो भूख लग गया बहुत तेज। लेकिन ये देखो भाई, फूड कैसे लिखा, यफ और दो पहिए का साइकिल और डी फूड, सब सिस्टम है भाई, सिस्टम एकदम मार्केटिंग का तरीका। हमें काम करना लाइकॉस पे, अब लाइकॉस के लिए बहुत टेंशन हो रहा है भाई। क्या हुआ? कितने दिन से क्या हो गया, रिटेक करोगे? नहीं नहीं, अबे अबे 2000 की भाई, 2000 की भाई। क्या 2000? ये 2000 की भाई, यहाँ 300 रुपये रिचार्ज कराने के नहीं है, कहाँ से आ रहे इतने पैसे? अस ब्रो, अरे हम चौथी बार हमने साथ रात बताई थी मैंने है, तो तब भी मेरे फोन रिचार्ज क्या मरवाने के पैसे देता है। अच्छा वो तो मैं उल्टा समझ लिया, अबे पहले उल्टा बोला था इसने, हमजा के साथ रात बताई ये फंस गया, ये फंस गया। ये बताओ तुम्हारा क्या, बीसीए छोड़ रहे हो क्या तुम? बीसीए भाई देखो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, कट कर दे। अबे इसका भी सीन है, अभी तुम दोनों इसको लेके जाओ, बातचीत करो, अगर इसका होगा मेरा भी हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी पहले मेरा तो करा दे भाई। हाँ चल रहा है भैया, एक अच्छा रास्ता कितने पूरी पूरी एप्लीकेशन लिख रहे। अबे मैं स्नैप समझ के बना रहा था, बोल ही नहीं रहा था कुछ। सुधीर भैया भाई ला रहा है, उसके लिए करना पड़ रहा है। लिख दिया है इनका, अब देखते हैं कांड होने से बच जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इनको एक साल फिर से पढ़ना पड़ेगा। और इनका तो भी कोई सीन ही नहीं है, इनका बाद में अपडेट कर देंगे। इनका भी देख ले, देखो कितना रिपोर्ट निकला भाई, क्या क्या हो रखा था, ये धुआं है भाई सब।
भाई मेरे चक्कर में ये लोग भी रुके हैं, ये देखो ये सबको भी रुकना पड़ा है। कोई बात नहीं भाई, सीखो ये सब सीखो, क्या पता कभी काम पड़ जाए जिंदगी में। नहीं है काम चैट भी डिलीट कर देते हैं, वो वायरस था। मार मार वो लोग कहाँ रह गए, वो बहुत पीछे वो लोग रह गए। यार मैं बीच में काम करते करते मैं भूल जाता हूँ कि ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। जब सब काम खत्म हो जाता है तब याद आता है यार इसका शॉट ले लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, धीरे धीरे फिर से आदत हो जाएगी। आदत छूट गई यार, देखता है नहीं देखते यार, फालतू ब्लॉग में डाल देता हूँ 100-150 तो देख लेते हैं। मुझे फर्स्ट ईयर वाला अभी याद आ रहा है जब अरे काम के लिए बिरयानी पहनता था, मांग अभी पिलाऊंगा ना क्या बनाता बिरयानी का। वैसे यार ये जो शब्द है इसको मतलब अरे ब्रो मजा नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं भैया, इनका दो दो बार एप्लीकेशन लिखे फिर भी कुछ नहीं हो पाया। अब होगा कल क्योंकि ये दोबारा एप्लीकेशन है टाइम लगेगा। और भाई इनके चक्कर में मेरी हालत खराब हुई है बहुत ज्यादा। आज हो भी नहीं पाया भाई, दो दो बार एप्लीकेशन लिखने के बाद, क्योंकि आज 4 बज गए यहीं पे सब कुछ करते करते। तो फिलहाल अब करवाएंगे इसका काम कल और हम जा रहे हैं रूम पे। तो भैया इतना थकने के बाद अब जा रहे हैं बिरयानी खाने। जो लोग यहाँ पे हैं यहाँ पे खाएंगे मरहबा, पता नहीं अभी बना होगा कि नहीं क्योंकि शाम के टाइम आए थे, बनता पूछ लो एक बार। बिरयानी है भैया? हाँ ठीक है 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 है। चलो तो घर चलो। तो भैया अभी आ गया रूम पे और बहुत ज़्यादा थक गए थे, अभी फ़िलहाल हमें जिम भी जाना है तो थोड़ा काम हो रहा है और ख़त्म हो जाए फिर जाते हैं जिम और उसके बाद फिर देखते हैं। भाई बहुत ज़्यादा थक गए वैसे, कहीं जाने का मन है नहीं बट जाएंगे। तो भैया अभी जा रहे हैं हम लोग जिम और काफ़ी टाइम हो गया है, 6 बज गया यहीं पर। अब जिम से आएंगे भाई 7 तो वैसे ही बच जाएगा। और आज का वीडियो यार बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है लेकिन कोई नहीं, आज रिकॉर्ड कर रहे हैं अच्छे से। भाई मेरे साथ क्या होता है भैया, डेली ब्लॉग करता हूँ आधे पे भाई भूल जाता हूँ कि मुझे ब्लॉग भी करना है और वहीं पे रुक जाता है, फिर पूरा वीडियो हो नहीं पाता तो डाल भी नहीं पाते हैं, लेकिन आज पूरा करूँगा मैं। मार भाई, वाह बहुत सही मार भाई बहुत सही है लोग। हो गया इनका काम खत्म, एक हाथ से उठा दूंगा। देखो अरे नहीं वो यार वो डगमगा रहा है ना, जैसे बराबर दोनों पकड़ो तो सही रहता है, कहाँ से डगमगा रहा है। भाई देखो आई एम ए प्रो जिमर, अब मेरे सिक्स पैक निकल जाएंगे 10-15 दिन में, क्योंकि ट्रेनिंग जो हमारे आकाश भाई प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई मत दिखाओ यार, 10 रुपये महीना। अच्छा तो भैया काफ़ी ज़्यादा रात हो गया, नहीं लेना है बे, मैं दिख ही नहीं रहा हूँ और जिम उम से निकल गए। इस वीडियो के लिए इतना ही, होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भाई एक लाइक कर देना और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।